सीटीओ लाहौर का कल मकसोक इंडरपास का दौरा। सीबीडब्ल्यू प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स डीएसपी मॉडल टाउन गुलबर्ग भी मौका पर मौजूद थे। डॉक्टर असद मलिक ने कलमा अंडरपास के विजिट के दौरान ट्रैफिक इंतजाम पर ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में बताया गया कि कलमा चौक रिमॉडलिंग इंडरपास की वजह से दोनों साइड्स को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर असद मलिक का कहना था कि ट्रैफिक की रवानी रखने के लिए दो शिफ्टों में 6 इंस्पेक्टर्स और 40 इजाफी वार्डन तैनात किए गए हैं। बरकत मार्केट से लिबर्टी चौक अंडरपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक को बरकत मार्केट से लिबर्टी मार्केट दोनों तरफ कलमा चौक से गुजारा जा रहा है। सीटीओ का कहना था कि मॉडल टाउन से आने वाली ट्रैफिक कलमा चौक से लिबर्टी मार्केट की तरफ जा सकती है, जबकि लिबर्टी जाने के लिए मुस्लिम टाउन मोड से यूटर लेकर बरास्ता कजाफी स्टेडियम लिबर्टी मार्केट जाया जा सकता है। बरकत मार्केट से कसूर जाने वाली ट्रैफिक मुस्लिम टाउन यूटर्न से वापस कलमा चौक फ्लाईओवर इस्तेमाल कर सकती है, जबकि कलमा चौक इंडरपास बंद होने से ट्रैफिक के बहाव में दबाव रहेगा।